हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं अपने एक व्यूअर्स का जो क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है, हम इसको क्यों सीखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नीड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इसकी क्या नीड है, हम इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों इस पर इतनी मेहनत करके इसको पढ़ते हैं और क्यों हम प्रोग्राम लिखना सीखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो प्रोग्रामिंग के बारे में, जिनके अंदर भ्रम है वो दूर हो जाएंगे कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे सिलेबस में इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा रोल है आज की दुनिया में, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो इंटरनेट की दुनिया है। आजकल विदाउट मशीन के कोई काम संभव नहीं है और हमें मशीन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो आप कंप्यूटर या किसी मशीन की बात करें, तो मान लीजिए ये कोई मशीन है और ये कोई ह्यूमन है। ये कोई ह्यूमन है और ये मशीन है। इसको हमने सेम टास्क दिया, यहां पे कोई एक वर्क है, इसको भी असाइन किया हमने और इसको भी असाइन किया। अब यहां पे कोई इंसान है जो ये असाइन कर रहा है वर्क। इसने क्या किया, इससे बोला कि आपको ये काम खत्म करना है। इसने परफॉर्मेंस शुरू की और उस काम को फिनिश किया। मैं इसको इस तरह से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सेम उसने इससे भी कहा तो ये भी इसको फिनिश करेगा। बट यहां पे ध्यान दीजिए, ये ह्यूमन है। आप इससे बोलेंगे कि यार ये हमारा कोई सामान है, इसको 2 किलोमीटर दूर मेरा जो मकान है या मेरा जो रूम है उसमें ले जाके रख देना। ये ह्यूमन है तो ये क्या करेगा, उठाएगा सामान, जाके रख देगा। या फिर मान लीजिए इससे आपने बोला कि यार एक गिलास पानी देना, तो ये जाएगा पानी भर के लाएगा और आपको पानी दे देगा। उसी की जगह कोई आपके यहाँ पे मशीन है, मान लीजिए ये रोबोट है, उससे भी आपने कहा कि यार एक गिलास पानी देना, क्या वो आपकी बात समझेगा? कोई रोबोट है वो आपकी बात नहीं समझेगा। या कोई मशीन है, जैसे कि आप कपड़ा धुलने वाली मशीन है, उसके पास जाएं, उससे कहें यार ये कपड़े रखे हैं इनको धुल देना, तो क्या वो धुल पाएगा? यहाँ पे मान लीजिए धोबी का एग्जांपल ले लीजिए, आपने धोबी से कहा यार ये कपड़े धुल के प्रेस करके मुझे दे देना। वहीं पे वॉशिंग मशीन है, सेम काम धोबी करता है, सेम काम वॉशिंग मशीन करती है। आपने क्या कहा मशीन से, यार ये कपड़े हैं इनको धुल देना, तो क्या वो धुल लेगा? नहीं धुलेगा। उसको हमें बताना पड़ेगा, हम उसके अंदर कपड़े डालेंगे, फिर उसका स्विच ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो वो उसमें टाइम सेट करेंगे कि कितने टाइम बाद वो निकलना चाहिए, तब जाके वो काम परफॉर्म करेगा। तो ये जो प्रोसीजर है जो हम सेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम उसको भी बोल रहे हैं। इसको अलग भाषा में समझिए, यहाँ पर जैसे हम इस पर्सन से बोल रहे हैं काम करने के लिए, वैसे ही मशीन से बोल रहे हैं, लेकिन मशीन हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, इसलिए उसको हम उसकी लैंग्वेज में समझाते हैं, यानी कि उसका स्विच ऑन करते हैं, उसमें टाइमिंग सेट करते हैं, तब जाके वो परफॉर्म करना शुरू करती है। तो ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें लैंग्वेज का फर्क है। जैसे आप ये इंडियन है और यहाँ पे कोई फॉरेनर है, आप उससे बोलें यार मेरा ये काम कर दीजिए, तो क्या वो आपकी भाषा समझेगा? नहीं समझेगा, तो वो कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन आप उसको इंग्लिश में समझाएंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेगा। तो सिमिलरली हमारे पास क्या होती हैं, मशीन्स होती हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे। तो जितनी भी मशीन है सब में आपका यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हम लोग जब कंप्यूटर की बात करते हैं, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, इसमें अगर हमें कोई बात इसको बोलनी है, इससे कोई काम करवाना है, तो एक ही बात समझता है, वो है बाइनरी। ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है। बाइनरी का मतलब 0 और 1 की फॉर्मेटिंग लैंग्वेज को समझता है। 0 का मतलब नो, 1 का मतलब यस। तो किसी भी काम को करने के, जैसे स्विच ऑन करना यानी कि 1, अगर स्विच ऑफ करना यानी कि 0, तो इस तरह से हम इसको समझाते हैं कि 0 और 1 का मतलब क्या है। तो ये सिर्फ 2 ही चीजें समझता है, 0 या 1। इसके कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे कि आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको 5 को लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 0 1, ये 5 हो गया। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो जब कंप्यूटर 0 1 की लैंग्वेज समझता है, तो उसको हमें 0 और 1 की लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। तो जो शुरुआत के सिस्टम्स थे उसमें क्या करते थे, हम बाइनरी सिस्टम यूज करते थे। बाइनरी सिस्टम इतना
टफ है। मान लीजिए आपको 15892 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सोचिए आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, परेशान हो जाएंगे कन्वर्ट करते करते, तब जाके इसको, चलिए इसको तो फिर भी कर लेंगे, यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है राम, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आर का मतलब समझना होगा, इसकी वैल्यू क्या है, आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर ए की डेसिमल वैल्यू निकालेंगे उसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, एम की डेसिमल वैल्यू निकालेंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस सबको एक साथ लिख के इतना वर्ड समझाएंगे। मान लीजिए आपको सिर्फ एक वर्ड लिखने में इतनी प्रॉब्लम होती है, और जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है वो तो कई सेंटेंस का होता है, तो वो कैसे आप उसको परफॉर्म करते हैं। तो उसी को ईजी बनाने के लिए इसी बाइनरी सिस्टम से निकल के हमारी आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते क्या हैं कि हम एक तरीका प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी बात को लिखिए, आप अपनी बात को किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखिए, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोसीजर है यही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली में वर्क नहीं करती हैं, उनका हमारे पास कंपाइलर होता है, हम प्रोग्रामिंग को कंपाइल करते हैं, तब वो हमारा बाइनरी मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, वो मशीन कोड रन करता है, प्रोग्रामिंग कभी प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे पहले असेंबलर लैंग्वेज थी जिसमें हम थोड़ा टफ पड़ता था, उसके बाद हमारी इंप्रूवमेंट होती गई, जैसे कि सी है तो उसमें हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश के सेट ऑफ कोड लिखते हैं, वो कन्वर्ट कंपाइल करने के बाद कन्वर्ट होते हैं मशीन कोड में, यानी कि बाइनरी कोड में, और उसके बाद वो जाके एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड्स थी कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम प्रोग्रामिंग को और इन्हेंस क्यों करते जा रहे हैं, पहले सी आई, उसके बाद सी प्लस प्लस, फिर जावा, और अब एंड्रॉयड, बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ईजी होते जा रहे हैं। तो ये इसीलिए ताकि हम उसको ईजिली एक्सप्लेन कर पाएँ और ईजिली समझ पाएँ। कुछ लिमिटेशन सीमित थी जिनको दूर करने के लिए जावा आया, इस तरह से अगर जावा में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक नई लैंग्वेज आएगी, अगर कभी कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए, कभी लेंथ ऑफ कोड को घटाने के लिए, हम लोग उसको इन्हेंस करते रहते हैं। तो ये था बेसिक फंडा ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली यूज होती है किसी भी मशीन से बात करने के लिए, उसको अपने इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड्स क्या है। तो जब भी हमें किसी कंप्यूटर से ह्यूमन है, उसको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, और ये कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई और ह्यूमन है जो इससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमें इस तरह से जो इंटरेक्शन फॉलो करना होता है, तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन करें तो हमें चाहिए पड़ेगी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो भी दोनों समझ सकें, या अगर हिंदी दोनों समझते हैं तो हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश दोनों समझते हैं तो इंग्लिश में बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हो रही है बाइनरी में, लेकिन हमें यहाँ पे समझने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे समझने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली में इनके अंदर भी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बाइनरी में नहीं हो रही होती है, उसमें भी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल जाता है वो डिजिटल में जाता है, और इस लिंक में वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो इस तरह से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कोई और डाउट है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक देखते रहिए।